ले व्यवस्था अध्याय 19 पवित्रता और आचरण के नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपने अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएँ ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए होम बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊँ। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। यदि इसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा। और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना और अपनी दाग की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना और अपने दाग की बारी के जड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम चोरी न करना और न एक दूसरे से कपट करना और न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। बहरे को सांप न देना और न अंधे के आगे ठोकर खाना। अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों में बैर रखना। एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाले न देना। अपने खेतों में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी दूसरे पुरुष से हो गई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंत में स्वाधीन की गई हो, यदि उससे कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले जाएं। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए और याजक उसके लिए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्राश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुँच कर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उसके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे, इसलिए उसमें से कुछ न खाया जाए। और 4th वर्ष उसके सब फल यहोवा की स्तुति के लिए पवित्र ठहरे और 5वें वर्ष से तुम उसके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम लहू लगा हुआ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडाना और न अपने गाल के बालों को मुंडाना। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना। ऐसा न हो कि देश के वेश्या होने के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधने वाले लोगों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देसी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम न्याय में और परिमाण में और तोल में और नाप में
कुटिलता न करना, सच्चा तराजू धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। थैंक यू।